भास्कर भगवान, जय छठी मैया। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर बिहार के महापर्व छठ पूजा की बड़ी अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम भगवान भास्कर की नगरी देव में हैं, जहां पर भगवान भास्कर का साक्षात रूप देखने को मिलता है। औरंगाबाद से 15 किलोमीटर दूर जो देव मोड़ है, और देव मोड़ से 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर देव में भव्य सूर्य मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। तो यहाँ पर छठ पूजा की बड़ी महिमा है। जिनकी मनोकामना पूर्ण की आस होती है, जिनका पुत्र नहीं होता है, वो यहाँ पर छठ पूजा करते हैं। यहाँ देव छठ घाट जो है, सूर्य कुंड है और रुद्र कुंड है, वहाँ पर रख देते हैं और फिर यहाँ पर भगवान भास्कर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो भी छठ पूजा जिस तरह से मनाया जाता है, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ होती है देव छठ घाट पर, जिस भव्य रूप में मनाया जाता है, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए, देव सूर्य मंदिर, बड़ी अद्भुत कारीगरी है इस मंदिर की, बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। किन चीजों से मंदिर बनाया है बाबा जी बताएंगे, ये कैसे मंदिर बना है, किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? भगवान विश्वकर्मा का परिक्रमा से बना हुआ है, मतलब पत्थर से बना हुआ है। देखिए, कोई सीमेंट बालू का नहीं है, ज्वाइंट, इसमें लोहा के कील का प्रयोग किया गया है। अच्छा, केवल लोहा का कील? बिल्कुल, एक पत्थर के दूसरे ऊपर मिट्टी या चूना गारा का इस्तेमाल नहीं किया गया? नहीं किया गया। अगर लोहा दिख रहा है तो यहाँ पर है। हाँ, ये लोहा है। और ये आप देख रहे हैं भगवान भास्कर मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक मूर्ति है, ये लग रहा है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। अभी हम बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा बाबा, ये कौन से भगवान है? विष्णु भगवान है। अच्छा, ये विष्णु भगवान। तो जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, इसी मूर्ति को देख करके लोग कहते हैं, कुछ यूट्यूब में हमने वीडियो देखे थे कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो ये हो सकता है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति हो, पर ये सत्य नहीं हो सकता है कि पूरा जो मंदिर है भगवान बुद्ध का ही मंदिर हो। अंदर जो है भगवान भास्कर के तीन रूपों की पूजा होती है, तीन रूपों की मूर्तियां हैं जो अनादि काल से है। तो हम ये मान सकते हैं कि बाहर की जो मूर्ति है, हो सकता है बुद्ध की मूर्ति हो, वैसा लग रहा है। पर अंदर की मूर्ति के बारे में जो फैलाया जा रहा है ये बात, वो भी बुद्ध की मूर्ति है, उसे हम सहमत नहीं। अभी आप साक्षात भगवान भास्कर का दर्शन कर रहे हैं। तीन रूपों में यहाँ पर भगवान भास्कर निवास करते हैं। सूर्य जब उदय लेते हैं तो इस मंदिर में जो है वह ब्रह्मा के स्वरूप में विराजमान है। मध्यान्ह तो महेश्वर, मध्यान्ह काल जब होता है, दोपहर जब आती है, तो उस समय जो है महेश्वर यानी भगवान शिव के रूप में विराजमान है। और अस्तमान स्वयं विष्णु, अस्त काल में जो है वह विष्णु स्वरूप में है। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, तीनों जो है वह दिवाकर है, सूर्य नारायण है। अच्छा, यहाँ पर देव सूर्य मंदिर में छठ पूजा करने के लाखों लोग आते हैं, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? जो भी भक्त यहाँ, जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी जो है नित्य मनोवांछित कामना जो है वह पूर्ण होती है। इसलिए जो है आस्था और विश्वास को लेकर के और यहाँ इस मंदिर में जो है वह छठ व्रत करने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं। कितना पुराना मंदिर है, इस मंदिर का रहस्य क्या है? ऐसे तो शिलालेख के अनुकूल जो है मंदिर का निर्माण जो है वह त्रेता युग में हुआ था, भगवान राम के समय में। शिलालेख के अनुकूल 9,49,000 कुछ वर्ष जो है मंदिर को बने हुए हो रहे हैं। और ये मंदिर का जो अंदर का संरचना आप देख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े खंभों का इस्तेमाल किया गया है। जितने भी खंभे हैं, एक पत्थर से पूरा खंभा बनाया गया है, ऐसा आपको देश के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर छठ व्रत में अर्घ देने के बाद भी श्रद्धालु आते हैं भगवान भास्कर का दर्शन करने के लिए। तो जो भी यहाँ पर आता है या छठ पूजा करने के लिए, वो यहाँ पर भगवान भास्कर का दर्शन करने के लिए जरूर आता है। दोस्तों, आप देखिए, यहाँ देव घाट पर सूर्यास्त की बेला में लाखों श्रद्धालुओं को, छठ व्रतियों को, भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए यहाँ पर जितने भी छठ व्रती हैं, उनके परिधान एक जैसे हैं, उनके शुभ दौरे एक जैसे हैं, उनके प्रसाद एक जैसे हैं, एक ही पानी में खड़े हैं, एक ही भगवान भास्कर हैं, शुद्ध मनोभाव के साथ लोग खड़े हैं।
एक इंसान इंसान के रूप में खड़ा है। और यही छठ पूजा की सबसे खासियत, सबसे बड़ी बात होती है जो सामने आप देख रहे हैं। और जो भी देव छठ घाट पर स्नान करने के बाद आते हैं, दंडवत करते हुए भगवान भास्कर का दर्शन करती हैं, अगाध श्रद्धा होती है भगवान भास्कर के प्रति। देव छठ पूजा का विहंगम दृश्य सामने आप देख रहे हैं। मॉर्निंग के अर्घ की बेला में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं भगवान भास्कर के उदय होने का। मिले फिर कम दिखे इस देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुबह के अर्घ का अद्भुत नज़ारा। कहीं लोग अर्घ दे रहे हैं तो कहीं भगवान भास्कर की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहीं जलार्पण कर रहे हैं, तो कहीं लोग स्नान कर रहे हैं। सुबह के अर्घ के बाद लोग जो है छठ घाट से देव सूर्य मंदिर जा रहे हैं, पूरा जयकारा लगाते हुए भगवान भास्कर का, छठी मैया का। गजब। अगर छठ पूजा की महत्ता को जानना है, अगर छठ पूजा के रौनक को देखना है, तो आप देव में आपको आना पड़ेगा। आपको अनुमान हो जाएगा छठ को ऐसे ही बिहार का महापर्व नहीं कहा जाता है। गजब जयकारे लग रहे हैं यहाँ पर।